Hello students, welcome in RCI Education Hub online classes. Today we study continue chemical property of carbonyl compounds, in which already we study one type reaction, nucleophilic addition reaction. Second we study oxidation reactions. Oxidation reaction mein apan already see aldehyde reactions. Now we see oxidation of ketones. Okay, ketone का oxidation अपन देखने वाले हैं. Already we see oxidation of aldehyde. Now we see oxidation of ketones. Dear students, for example, that is CH3C double bond OCH3. Okay, due to oxidation of ketones, there will be formation of compound. You can see CH3C double bond OCH3. And there will be oxidation of this compound, give the different type के यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स बनेंगे. देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है. इस वाले ग्रुप अपन यहाँ से ब्रेक कर दें तो क्या कंपाउंड बनता है. देखिए इस वाले ग्रुप में अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ये वाला कंपाउंड आपको मिल जाएगा. ओके, सी डबल बॉन्ड और उसके अंदर ऑक्सीडेशन में एक मिलेगा आपको ये, और दूसरे वाले में इसमें हाइड्रोजन को हटाना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो ये वाला ग्रुप HCOH, ये ग्रुप अपने को देने वाला है. यानी एक तो आपको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है साथ में, दूसरा क्या होता है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन. यानी ये तो आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड कीटोन का, यानी एसीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. K2Cr2O7 इसको यूज कर सकते हैं, KMnO4 इसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं. इसके अलावा Ag2O ये अपन ने यूज किया था किसके अंदर, एल्डिहाइड में यूज किया था. इसके अलावा अपन मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है उसको भी यूज कर सकते हैं. क्रोमियम ऑक्साइड ट्राई ऑक्साइड जो होता है CrO3 इसको भी अपन यूज कर सकते हैं. कंसनट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, या कंसनट्रेट HNO3 जो होता है इसको भी अपन यूज कर सकते हैं किसके रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं. ये सारे एजेंट आते हैं ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, फंक्शन है इनका. ओके, सारे ये टोटल मैंने जो कंपाउंड लिखे हैं ये ऑल कौन सा फॉर्मेशन करते हैं, ये ऑल कंपाउंड्स हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करते हैं. कीटोनों का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. बट इस वाले में ऑक्सीडेशन की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो अपन इसमें बात करते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन. कौन से वाला, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन. और बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है ये ऑलरेडी अपन एल्डिहाइड में भी देख चुके हैं. वहां एल्डिहाइड में बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन जब हुआ था RCHO का, तो किसका फॉर्मेशन हुआ था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का. बट यहां पर जब बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन अपन कराएं किसका स्टूडेंट्स, कीटोन का. तो कीटोन का मतलब है इस कीटोन में अपने क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ेंगे. तो जैसे ऑक्सीजन यहां पर जुड़ता है स्टूडेंट ये इस टाइप से बन जाता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री. और ये क्या है, देखो एस्टर है, क्या है ये एस्टर. इसका मतलब है कीटोनों का बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन करने पर किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का. जबकि एल्डिहाइडों का बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन करने पर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है. ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा करोगे, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन अपन करवा सकते हैं. क्योंकि बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड तो क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देंगे, जबकि कीटोन क्या करेंगे, एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे. दोनों के टेस्ट क्या होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो इनको दोनों को डिफरेंशिएट करने में काम आते हैं. ओके, ये तो था. अब इसके अंदर एल्डिहाइड और कार्बोनाइल कंपाउंड अगर बात करें, अपन दूसरे टाइप के कीटोन ले लें जो कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल कीटोन. दो टाइप के कीटोन होते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं. देखिए अगर मैं यूज कर लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड O, और मैं याद यूज कर लेता हूं CH2CH2CH3, ये कहलाता है मिक्स कीटोन. कैसा ये मिक्स कीटोन, और इस मिक्स कीटोन का अगर मैं क्या कराता हूं इसका स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं, दैट मींस इस वाले का अगर मैं ऑक्सीडेशन कराता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, उसके लिए अपने पास में एक रूल है. कौन सा रूल है,
कौन सा रूल है? ओपा, ओपाक रूल। कौन सा है? ओपाक का नियम। ये वाला काम आता है ओपाक रूल। और ओपाक रूल क्या है? बहुत ही इजी है, वन वर्ड में सुनो। इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, दैट मींस सी डबल बॉन्ड ऑफ ग्रुप किसके साथ जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है? ओपाक रूल डिसाइड करता है। कार्बोनाइल ग्रुप गोज विद ए ग्रुप विच हैव लेस कार्बन एटम, लेस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा कौन? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। देखो अगर मैं इस वाले बॉन्ड को, सी डबल बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, दो कंडीशन है, एक तो यहां से ब्रेक कर सकता हूं, दूसरा मैं यहां से ब्रेक कर सकता हूं। पॉसिबिलिटी कितनी है? दो पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है इसको बॉन्ड ब्रेक करने की। फर्स्ट कहां से? ए वाली कंडीशन से तोड़ता हूं तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इसके साथ जाता है। दूसरा अगर मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इसके साथ में आता है। दैट मींस दो टाइप से अपन बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया मैंने तो ये बना। प्लस क्या बनेगा आपको? CH3 CH2 COOH, ये बनेगा। यहाँ पर दो एसिड बन जाएंगे अपने पास। दूसरा अगर मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा COOH फॉर्मिक एसिड प्लस 4 कार्बन का ग्रुप बनेगा CH2 CH2 और COOH, यानी ब्यूटायरिक एसिड का फॉर्मेशन 4 कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन आएंगे और ये अकेला बच जाएगा जो तो फॉर्मेशन का फॉर्मेशन करेगा। ओके ये वाले कंपाउंड दोनों में से कौन सा बनेगा, ये वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा है ये वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वो डिसाइड कौन करेगा? ओपाक रूल डिसाइड करेगा। ओपाक रूल के अकॉर्डिंग सी डबल बॉन्ड ऑफ ग्रुप इज अटैच विद कार्बन विच हैव लेस कार्बन एटम, यानी स्मॉल साइज में जो होता है, साइज जिसका स्मॉल होगा उसके साथ कौन जाएगा? सी डबल बॉन्ड ऑफ ग्रुप जाएगा। डेट मीन्स ये साइज क्या है तीनों का, ये साइज ग्रुप क्या है? बड़ा है, बिग ग्रुप है। ये वाला कैसा ग्रुप है? स्मॉल ग्रुप है, तो सी डबल बॉन्ड किसके साथ जाएगा? लेस कार्बन, यहाँ पर एक ही कार्बन है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो लेस कार्बन कौन है? ये वाला ग्रुप। तो सी डबल बॉन्ड ग्रुप इधर जाएगा इधर, तो यानी कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे आप? ये वाला बॉन्ड अपने यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ये वाला ग्रुप चला जाएगा। इस वाले ग्रुप से क्या बनेगा? ये वाला कंपाउंड बनेगा। तो ये कंपाउंड है ओपाक रूल के अकॉर्डिंग बनाया अपन ने, ये ओपाक रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड ओपाक रूल। सिंपल, सी डबल बॉन्ड ग्रुप को उस ग्रुप के साथ में अटैच करना है जिसमें कार्बन की नंबर्स लेस होते हैं, उसके अटैच में सी डबल बॉन्ड ग्रुप जाएगा और वही एसिड इसके अंदर बनेगा। बाकी जो अपने पास में जो बच गया उसका दूसरे टाइप के एसिड अपन बना देंगे। इस कंपाउंड का ये परफेक्ट दोनों कहलाते हैं, ए वाला कंपाउंड ये बनेगा, बी वाला कंपाउंड अपने पास ये बनेगा। ये ओपाक रूल एक नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज ओपाक रूल, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल आपको दे करके पहले ओपाक रूल को एक्सप्लेन करना है। ये कीटोनिक पार्ट का ऑक्सीडेशन में स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिमेन करें। ओके बाकी सेम है, किसके समान है? ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड के सेम पर्पस की तरह है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट था। कीटोनों के अंदर ओपाक रूल लगता है क्योंकि कीटोन दो टाइप के होते हैं, सिंपल और मिक्स वाले। तो किसके साथ से डबल बॉन्ड ग्रुप जाएगा डिसाइड कौन करेगा? ओपाक रूल डिसाइड करेगा कौन से ग्रुप के साथ में अटैच होगा। ओके ये कंप्लीट अपना हो गया है। कार्बोनाइल कंपाउंडों की ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपन ने कंप्लीट कर दिया है। एल्डिहाइडों को अपन ने अलग से देखा है और कीटोनों का ऑक्सीडेशन अपन ने अलग से देखा है। ओके इसमें दो ही है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन और ओपाक रूल के आधार पे, ये आपको याद रखना है कीटोन के अंदर। ओके बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में एस्टर बनता है कीटोनों में, और ओपाक रूल के आधार पे अगर निकालते हैं तो छोटे ग्रुप यानी स्मॉल ग्रुप के साथ में सी डबल बॉन्ड ग्रुप जाता है एसिड बनाने के लिए, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके ये तो था अपना सेकेंड रिएक्शन, किसकी कार्बोनाइल कंपाउंड होती है। फर्स्ट पड़ी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद अपन ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वाले अपन देखने वाले स्टूडेंट्स हैं रिडक्शन जो रिएक्शन होती है, किसकी? कार्बन एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन रिएक्शन है, उनको अपन देखने वाले। ओके टुडे इज सफिशिएंट।